व्हीकल को मोड़ते समय आ रही थी एक बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी व्हील का सेम स्पीड होना, जिसकी वजह से टायर करता था स्किड। तो इंजीनियर ने बनाया स्पाइडर गियर, रिंग गियर और साइड गियर की मदद से एक ओपन डिफरेंशियल। ओपन डिफरेंशियल क्या काम करता था, ये इनसाइड वाले व्हील को कम आरपीएम पर और आउटसाइड वाले व्हील को ज्यादा आरपीएम पर रोटेट करवाता था जब व्हीकल टर्न लेता था, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, टायर स्किड नहीं करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आई एक प्रॉब्लम, ओपन डिफरेंशियल में अगर एक व्हील स्लिप सरफेस पे होगा और दूसरा व्हील को अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, तो इंजन की ज्यादा पावर स्लिप सरफेस वाले व्हील पर चली जाती थी, जिससे कि व्हीकल वहीं फंसा रहता था। अगर आपको ओपन डिफरेंशियल के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज किया जाने लगा लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में यूज कराया जाता है क्लच प्लेट असेंबली का, और सेंटर में यूज कराया जाता है स्प्रिंग असेंबली का। अगर एक व्हील स्लिप सरफेस पे होता है और दूसरा व्हील को बेटर ट्रैक्शन मिलता है, तो इंजन की ज्यादा पावर वहां जाती है जहां पर बेटर ट्रैक्शन व्हील को मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पाइडर गियर लगाता है फोर्थ साइड गियर पर, और साइड गियर जो होता है वो मूवेबल होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट को दबाता है, जिससे कि क्लच प्लेट असेंबली प्रेस हो जाती है और इंजन की ज्यादा पावर जाती है गुड ट्रैक्शन वाले व्हील पर। जब व्हीकल को हम सैंड पर, आइस पर और कंकड़ वाले रास्ते पर चलाते हैं, तो व्हीकल को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, और इस डिफरेंशियल को यूज करने में भी टायर कम घिसता है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल एक व्हील में 100% पावर को नहीं भेजता है, और इस डिफरेंशियल में यूज करा जाता है फ्रिक्शन प्लेट का, और वो कुछ समय बाद घिस जाती है, जिससे कि ओपन डिफरेंशियल में जो प्रॉब्लम होती है वो इस डिफरेंशियल में होने लगती है। और कुछ केस में इस डिफरेंशियल में ये प्रॉब्लम दिखा है कि अगर ज्यादा टायर स्पिन करता है तो डिफरेंशियल लॉक होने की प्रॉब्लम हो जाती है और ड्राइवर व्हीकल पे अपना कंट्रोल खोने लगता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।